कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैडेट काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। और गांव में ठीक है, सब उधर परिवार में राजी खुशी है। ससुरबाड़ी तो हालत खराब है, तो पहली सेम वाली भी बहुत मोटी मार है। रमकड़ बारिश की वजह फसल और ज्यादा खराब हो गई। फसल खराब होगी, सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर किसी भी फसल खराब हो तो भी स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए, और गिरदावरी हो गए मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अगली फसल की आपकी तैयारी कर सके। लेकिन मौजूदा जितनी सरकार है और तो किसान ने मारण पर तुले भी है। पिछले 10 महीनों 3 कृषि का ऐसा कानून बना दिया, कानून की वजह आज लाखों लोग जेता है उत्तर प्रदेश गए, गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठे, हरियाणा गए, सिंगो बॉर्डर लोग पर खरा टीकरी बॉर्डर पर बैठे, राजस्थान को जो शाहजहांपुर को बॉर्डर है पर बैठे, लोग लगातार थारी लड़ाई करने ला रहे। ये तीनों कानून रद्द हो और नए सिरों किसान ने एमएसपी मिला, फसल का अच्छा दाम मिले, महंगाई के हिसाब में एमएसपी बढ़े ताकि किसान जो तो है आपके पैरों पर खड़े रह सके। कानून वापिस लेने की बजाय सरकार जितनी है किसान ने लगातार दबाने में लगे है। आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री लगातार एक दावो करते रहे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अकेलो मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि सरकार में जो का शामिल लोग है वे भी लगातार ये बात ने ले गए और लोगों में प्रचार करता रहे, और अट तक भी कहो कि या तो कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो वे सरकार बाहर आ जाऊंगा। आज बाजरे की एमएसपी खत्म होगी कौन ही होगी, आज बाजरों बाजार में के भाव भी क्या है, 1100-1200 रुपया भी क्या। अगर एमएसपी हुआ सरकार खरीदा तो बाजरों बिकार 2250 रुपया, 1000 रुपया क्विंटल के पीछे किसान ने सीधो सीधो नुकसान है। तो जका लोग आपका एमएसपी रहसी और एमएसपी नहीं रहेगी तो मैं भी सरकार में कौन रहा। आज मान लोगों ने सरकार में बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं कुर्सी को छोड़ सके नहीं, मैं माँ बाप ने तो छोड़ सके, कुर्सी कौन छोड़ सके, माँ बाप ने छोड़ गया कौन छोड़ गया। अगर इसे लोगों का हाथ में लंबे समय तक सत्ता रहेगी तो फिर मान ली चलो किसान बर्बाद हो जाए। वो जो कुछ चुनाव है आ लड़ाई कोई एमएलए की नहीं है, इस चुनाव के मैं एक बहुत बड़ो फैसलो होना है, और इस चुनाव पूरे देश में एक संदेश जावा कि हरियाणा प्रदेश को खेती करने वालों जो व्यक्ति है, आदमी है, किसान जो है, मजदूर जो है, जो खेती में जुड़े हुए, वो कृषि का 3 काले कानून नू आज भी दुखी है, परेशान है। अगर थारी मोर एनर्जी निशान पर लागेगी
तो फिर पूरे देश में एक मैसेज जाओ कि किसान जको है जगह किसान के सागे खड़े आज बन सके किसान आपको वोट लगा के बन ताकत देने लगे। अगर कोई गलती हो कोई इन्हें बिना वोट लाग गयो तो फिर हम मान के चलो पूरे देश में वैसे जैसे भी लोग तीन काला कानून नज करने मानने तैयार इन चुनाव के मत तो सीधी लड़ाई किसान की पूंजीपति की है खेती करने वाले की पूंजीपति की लड़ाई है। आज तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसी पार्टी है जगह कोई उम्मीदवार भी नहीं है। बीजेपी तो एक ही उम्मीदवार ले गया ही है जगह एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करी अगले दिन टिकट दे दी। पूरे सरसा जिले में कोई एक आदमी बीजेपी ने शो नहीं मिले जगह पर विश्वास भरोसा करके पार्टी फिर आपको उम्मीदवार बना दी। जब पीछे चुनाव होया और भाजपा बहुमत में नहीं आई तो गोपाल कांडा ने रणजीत अंकल ने दोनों ने हवाई जहाज में बिठा के दिल्ली ले गया। ले गया कौन ले गया दोनों ने? रणजीत अंकल ने तो दिल्ली में बिठा के उतर तक हरियाणा भवन ले गया और गोपाल कांडा ने कह दी कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आरोप है तेरे ऊपर तो हत्या वो केस है तेरे ऊपर तो बलात्कार वो केस है अगर मैं कोई तेरो समर्थन ले लेंगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो जैसी। अभी गोविंद कांडा ने टिकट दे दी जाएंगी हम इज्जत पद की क्या अब बदनामी कौन की आगे इन्हें टिकट की खातर दी है कि वो पैसे के बलबूते पर कठी को छोटो मोटो दाव लगा दिया। अने पीछे को भी एक किस्सो सुना दे अने देवलाल जी वर्गा यांगी उम्र का जो बन तो ध्यान हो सी पहली चूरू को जो कोई इलाको लोकसभा को वो भादरा ही हो तो आपने पड़ोस में लाग तो और चूरू लोकसभा एक दफा बिड़ला चुनाव लड़े और बिड़ला के सामने चुनाव लड़े एक मनीराम नाई हो एक हाथू टुंडो हो पण लड़े बिड़ला के अनाप शनाप पीछे कोई कमी को नहीं पर तो चौधरी किस्म का जका आदमी आने तो जिपा दे दी देखो कोई गरीब हो भी ने साइकिल दे दी महिलाओं का वोट मिलाई खातर बंद है घर घर में सिलाई वाली मशीन दे दी। अरबी वक्त ही किस्म को प्रचार चाल तो कि बिड़लो तो संदूक में रुपया घाट के लोग हम बांट तो फिर और लोग आके हम तब बोले काले बिड़लो है जो बहुत वोटा जीते मनीराम देखो गरीब आदमी हो साधारण आदमी हो मीने कहने तो ऊंट हो वो ऊंट को ऊपर चढ़ गया आपका वोट मांग और वो जठे भी जान तो सोशलिस्ट पार्टी खड़े हो वो एक ही बात कहें तो ये पीछा तैयारा खा लो बिल्लाड़ा ले लो और वोट टूनियन दे दी हो वो जे कांडो पीछा दे थाने तो ले लो पिछड़ाइया ले वोट मन दे दी हो पर पीछा तीस पहली पहली ले लियो बाद में कोदे लो बाद में भाजपा कांग्रेस पार्टी को दिवाली भी ना ज्यादा पिट गयो मनोज दस दिन पहली ज्वाइन करके आए नी कांग्रेस बट तो सदा कोई कांग्रेस क्यों नहीं बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पीछे टिकट दिया ये हो कौन गए हो? अरे पिछड़ा जगह है ए कोई ना खेत में कमाएडा को नहीं ए भी मेरे संग रहे कि इन्हें बिना कब्जा दबजा करके कमाएडा की तो इन्हें लगवा दिया महंगा कि थोड़ा बहुत बच्चे ने अपना थिएटर लगवा दो लगवा दो ना ऐसे तो पानी पी जाओ बेटा
तो मैं तो थारो मिलन खातर आयो, थारो आशीर्वाद लेने भी आयो। अगर थारो वोट मने मिलेगा तो किसान ने ताकत मिलेगी, मिलेगी कौन मिलेगी? अच्छे कोई ऊंच पुंचड़ो वोट ला के तो मान के चलो किसान कमजोर हो जाएगा सारे देश में। बस तो फिर मेरी हाजिरी मानो, थे आज आगे आशीर्वाद दियो, मेरी बात सुनी, खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय।